देखिए कल एक क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखो कल एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, आपकी नोटबुक में किया हुआ है, एक बार सिर्फ देख लीजिए। देखो क्वेश्चन था कि ये किसी थीटा एंगल पे आया किसी वी नोट स्पीड से, है ना, इसकी ई की वैल्यू वन आ गया, जबकि ई वन आना नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं आना चाहिए था ई वन, कि ई वन यानी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन कब होता है, जब कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक कोलिजन हो, समझ पा रहे? और तो कल भी मैंने बोला था कुछ ना कुछ है कैलकुलेशन में मिस्टेक, ठीक है। देखिए मैं अभी आपके साथ फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। देखो वन तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक था। आइए एक बार कर लेते हैं, क्या होता है क्लास स्टार्टिंग में आपका भी माइंड फ्रेश है तो आराम से चीजें कैलकुलेशन समझ में आएगा, कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो, है ना। चलिए आइए फ्रेश माइंड से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, वी नोट कॉस थीटा, क्लियर है ना, और ये बन जाएगा वी नोट साइन थीटा। अब हम जानते हैं ऑब्लिक कोलिजन है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा सेम होगा, कौन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये ब्लॉक जब यहां पे आएगा तो यही इसका नॉर्मल होगा, यानी कि ये जब वापस जा रहा होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसकी वेलोसिटी तो यही रह जाएगा वी नोट साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा बताओ, ई टाइम्स वी नोट कॉस थीटा, ये भी कल समझे थे वी नोट कॉस थीटा। अब अगर नेट वेलोसिटी पूछे तब तो कल सीखे ही थे, इसके बीच वाला ये हो गया वी नेट, और कोई वी नेट पूछे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई वी नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी नोट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये था, ये तो एकदम सही है, कल भी हम लोग बनाए हुए थे। सेकेंड पार्ट में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ई की वैल्यू निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकमिंग वेलोसिटी और आउटगोइंग वेलोसिटी जो है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज परपेंडिकुलर टू इनकमिंग वेलोसिटी, इनकमिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी आ रहा है ये जो जा रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहला अगर आपने थीटा माना है दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए जरा ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहां तक क्लियर है, कल भी किए थे हम। अब इसको देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ था कल, यहां तक तो सेम ही है, ठीक। देखिए ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये कंपोनेंट का नाम है ई वी नोट कॉस थीटा, क्लियर है ना, और ये वाला जो कंपोनेंट यही ऊपर चला जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा वी नोट साइन थीटा, क्लियर है जी, ओके। अब यहां पे हम लोग करेंगे टेन, अगर 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो वी नोट साइन थीटा बाय ई वी नोट कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा,
ये बी नोट कैंसिल हो गया और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा बाय ई, क्लियर है ना। ओके, कॉट को क्या लिख सकते हैं, वन बाय टेन थीटा। देखो यहीं पे मिस्टेक हुआ था, लास्ट एक दो स्टेप में आपका मिस्टेक है, देख लीजिए कल वाला। तो कॉट थीटा हो गया वन बाय टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय ई, ई को इधर भेजोगे टेन थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ई इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि ये कौन सा कोलिजन होगा, ठीक है। देखो कल कहां पे मिस्टेक किए थे, थोड़ा चेक कीजिए, तो आप लोग भी नहीं बोल पा रहे थे ना? आप लोग को तो जो बोल दिया जाए उसी में आप सही बोल देते, कैसे हो कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा सा फिजिक्स में इस चीज को केयर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको। ओके, अब मिला आपको मिस्टेक, मिला कल वाला क्या किए थे मिस्टेक, थीटा का मिस्टेक, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है, अपने एग्जाम का आया हुआ है, कोलिजन से मतलब नहीं, ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको देता हूं, आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए इस टॉपिक का नहीं है, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ट्राई करना है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, फिर नहीं होने से मैं आपको बताऊंगा, जस्ट ट्राई कीजिए। वर्क पावर एनर्जी तो अब आप लोग का लगभग कंप्लीट हो गया होगा, एक हफ्ता हो गया बैकलॉग, आइए क्वेश्चन है। देखो एक रड है, इसको फिक्स किया गया है, दोनों रॉड पे फिक्स किया गया है, इसमें एक रिंग है, ये रिंग है, ये एक रिंग है, इस रिंग से एक स्ट्रिंग, इस रिंग से एक स्ट्रिंग है, इससे एक मास है। अब इस मास को यहां जस्ट रिलीज किया गया, छोड़ा गया, तो क्या होगा सोचो, ये ऐसा नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा 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 समझ पा रहे हैं, तो एक समय आएगा ना ये इधर जाने लगेगा और ये रिंग किधर जाने लगेगा, आगे की तरफ जाने लगेगा, रिंग मूवेबल है, समझ पा रहे हैं। तो पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल, मतलब कभी वो टाइम क्या होगा, ये जब नीचे इसको रिलीज करेगा ये नीचे आएगा ऐसा ऐसा ऐसा, और ये जैसे जैसे नीचे आ रहा होगा ये आगे भी जा रहा होगा, तो कभी एक समय ऐसा आएगा। देखो ओरिजिनल डायग्राम में आप पहले इतनी डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना समझाता हूं। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, सॉल्व कैसे करना है वो तो भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। और मैंने वर्क पावर एनर्जी में आपको एक ही टिप्स दिया था कि कौन सा थ्योरम हमेशा यूज करेंगे,
वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है, सिर्फ आप सोच लिए तो बन गया ऐसा बोल के। ठीक है, देखिए और भी क्वेश्चन को मैं आपको आसान समझाता हूं। होगा क्या, ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये आगे बढ़ेगा, तो कभी एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये यहां से यहां आ गया रहेगा, समझ पा रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा किसी भी वेलोसिटी से, और उस समय, उस समय ये जो है ये स्ट्रिंग ये नीचे आ गया है, और स्ट्रिंग कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, तो आंसर है स्ट्रिंग जो है मतलब ये मास इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना मेरी बात। अब अच्छा मान लो इसकी वेलोसिटी वी वन, इसकी वेलोसिटी वी टू, आप बता सकते हो वी वन वी टू सेम होगा या अलग होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, पर होगा सेम ही, जितनी स्पीड से ये आगे जाएगा उतनी स्पीड से ये पीछे जाएगा, समझ पा रहे हैं। हम मान के चलेंगे ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, समझ पा रहे ना, लगाइए जरा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या दिक्कत होता है, देखो लगाओ जरा वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे एक आपके साथ दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगी, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम किस में लगाएं, क्या इस रिंग में लगाएं, इस मास में लगाएं, दोनों में लगाएं। अगर रिंग में लगाओगे तो रिंग का फोर्स आपको पता नहीं है कौन सा फोर्स इधर लग रहा है, ये जो टेंशन है ये बार बार इसकी डायरेक्शन बदल रहा है, बात समझ पा रहे हैं, ये आगे ले जाने वाला कौन है, टेंशन, अभी तो सीधा सीधी टेंशन ऐसा रहा होगा, समझ पा रहे हैं, पर ये टेंशन बार 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 बार, अभी ये जब स्ट्रिंग ऐसा हुआ तो टेंशन ऐसा हो गया, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर निकालोगे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना बहुत मुश्किल है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाऊंगा इस मास में, और कोशिश करूंगा इस वी टू और वी वन के बीच का रिलेशन निकाल लेने के लिए, समझ पा रहे हैं। तो देखिए आप पहले वो रिलेशन ही निकालना चाहते हैं, रिलेशन ही निकाल लो, कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा, और कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, तो एक तरीका है, क्या तरीका है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, है ना, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है ना, पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा किस पे लगता है, पूरे सिस्टम पे लगता है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो, ठीक है ना, शुरू में रिलीज किया गया तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो और ये भी जीरो, और फाइनल जब ये हो गया तो ये पीछे जा रहा है ये आगे जा रहा है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक को प्लस लोगे एक को माइनस लोगे, अच्छा दोनों की कुछ ना कुछ मास भी देना पड़ेगा, मान लो इसकी भी मास कुछ ले लो, रिंग की भी मास एम ले लो, रिंग की भी तो मास दोगे, चलिए तो देखो ये वाला मास हो जाएगा एम वी टू पर पॉजिटिव, और रिंग का मोमेंटम निगेटिव या पॉजिटिव, लो बात करने वाले निगेटिव, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर, तो माइनस एम वी वन, देखो ये आ गया एम वी वन इक्वल टू एम वी टू, अगर सेम मास नहीं भी लेते कुछ अलग भी मास लेते कोई बात नहीं, हमें एक रिलेशन तो मिल गया ना, आपको जो वी वन चाहिए था इसका, इसके लिए एक रिलेशन मिल गया वी वन इक्वल टू एम वी टू बाय एम, अभी देखो दोनों का मास सेम है तो कैंसल हो गया, तो वी वन इक्वल आ गया वी टू के, अगर नहीं भी सेम होता, मान लो ये 10 केजी होता या 2 केजी होता तो 5 वी टू आता, पर एक रिलेशन मिल गया कि मैं वी टू अगर निकाल लूं तो वहां से वी वन पता चल जाएगा,
और वी टू में कंजर्वेश वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आसान है। अब फॉर एम मास पार्टिकल, अब सिर्फ पार्टिकल में हम लोग लगा रहे हैं, चलिए एम मास पार्टिकल में बताओ कौन सा वर्क हुआ है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपको समझ में आ रहा है ना, जीरो, क्लियर है। मुझे बताओ यहां से यहां तक ये कैसा मोशन में घुमा है, समहाउ सर्कुलर जैसा, समझ पा रहे हैं। जो भी हो यहां पर दो ही फोर्स इन्वॉल्व है, इस मास पे कितना फोर्स लग रहा है, दो, कौन कौन सा बता सकते हैं, एक ग्रेविटेशन और दूसरा टेंशन, दूसरा टेंशन। ग्रेविटेशन का तो समझ में आ रहा है, टेंशन का वर्क डन जरा ध्यान से देखो, जब भी कभी टेंशन होगा, जैसे यहां आप देखो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर मान लो ये कभी यहां पे था, मान लीजिए हालांकि ये पीछे रहा होगा ऐसा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, समझ पा रहे हैं, कर्व में, और टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ, यानी कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं। पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, वर्क डन ऑफ टेंशन प्लस वर्क डन ऑफ एमजी फोर्स शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये टेंशन वाला जीरो हो जाएगा, तो मुझे अब जरा आप बता दो एमजी का वर्क डन कितना है। मैंने अलग से एक पूरी क्लास ही करवाया था सिर्फ ग्रेविटेशन का वर्क डन निकालना, बॉडी यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, एमजी ने कितना वर्क किया, एमजी एच, समझ पा रहे, जो भी हाइट नीचे आया हो, मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ रहा हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर है ना। तो वर्क डन हो गया एम जी एल, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और फाइनल यही होगा वी टू स्क्वायर, क्लियर है। एम से एम कैंसिल, मुझे तो वी टू चाहिए, टू इधर भेज दो, टू जी एल इक्वल टू वी टू का स्क्वायर, तो वी टू इक्वल टू अंदर रूट टू जी एल, और वी टू वी वन के इक्वल है, देयरफॉर वी वन यानी कि स्पीड ऑफ रिंग ये भी हो जाएगा अंदर रूट टू जी एल। क्या मेरी बात समझ पा रहे, अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। नोट डाउन करने का मतलब है आपको हर स्टेप में सोचना है कि यही क्यों किया गया। देखिए क्वेश्चन सीखने का तरीका यही होता है, सॉल्यूशन जब भी आपको मिल जाए, चाहे बुक में सॉल्यूशन मिले, टीचर आपको समझा रहे हो, आपके माइंड में क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, यही क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी आना चाहिए आपके माइंड में, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि हर बात में पूछें सर यही क्यों किए, यही क्यों किए, ऐसा नहीं, फिर पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। ये क्यों किए ये के साथ साथ ये आना चाहिए, क्या इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या, अगर आपके माइंड में आए तब जरूर डिस्कस कीजिए टीचर के साथ या खुद से करके देखो क्या दूसरे अप्रोच से हम जा पा रहे हैं। इसी तरीके से आपका अप्रोच डेवलप हो पाएगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप याद करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन अलग आएगा, ये पूरा डायनेमिक सब्जेक्ट है ना। ये उसी तरीके से जैसे कोई स्पोर्ट होता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, वहां पहले नहीं बोला जा सकता, वो डिसीजन उसी समय लेना होता है जब बॉल आ जाता है। पहले कोई बैट्समैन सोच ले कि हम बॉल को स्ट्रेट में ही मारेंगे, बॉल आ रहा है कहीं और, आप स्ट्रेट में तो नहीं मारोगे, तो बैटिंग कैसे सीखता है, बॉलिंग कैसे सीखता है, फुटबॉल कैसे, कोई भी स्पोर्ट कैसे सीखते हो, उसी तरीके से फिजिक्स सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। कुछ क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और मैंने आपको वर्क एनर्जी के समय छोड़ा था आप लोगों को, जिसका नाम है इंपल्स, है ना। आइए टॉपिक बनाइए इंपल्स। अच्छा इंपल्स मतलब पूरा एक थ्योरम ही पढ़ लेते, ऐसा लिखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग बना दीजिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग बना दीजिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हेडिंग बना दीजिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है,
इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। आइए आगे बढ़े, चलिए आपने हेडिंग बनाया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए जरा, हम जानते हैं फोर्स जो हमारा होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है डीपी बाय डीटी, याद आया कुछ? अगर इस डीटी को इधर भेज दो तो एफ डीटी, ये हो गया डीपी, ठीक है। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, ठीक, तो ये जो है ये क्या है डीपी, डीपी है चेंज इन मोमेंटम, समझ पा रहे हैं? तो ये है टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम चेंज होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये जो एफ डी टी है इसी का हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम रख दिया इंपल्स। इसका क्या नाम रख दिया? इंपल्स, समझ पा रहे हैं? इसी का हमने एक नाम रख दिया इंपल्स, सिंबल बना दिया आई। तो इंपल्स का अपना अपना एक फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अगर कभी फोर्स कांस्टेंट हो, ये जनरल फॉर्मूला है, अब इसका एक स्पेशल केस, अगर कभी फोर्स कांस्टेंट हो, इफ एफ जो है ये कांस्टेंट, तो आई इक्वल टू, देखो एफ तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो इंपल्स इक्वल टू हो जाता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट देखोगे, इसकी यूनिट तो हो जाता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। पर ये जो इंपल्स है ये होता है चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मोमेंटम इंपल्स थ्योरम या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यही कहलाता है कि आई जो है इंपल्स, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, आप यही याद रखेंगे। ये तो इसका एक स्पेशल केस है ना, एफ डी टी, और ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर है ना मेरी बात है? जरा नोट कीजिए इसे, जरा नोट कीजिए इसे। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, एफ जो है इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। आप लिखे ना एफ क्या है, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स में थोड़ा लिखो, इंपल्सिव फोर्स क्यों बोल रहे हैं इसे, या इंपल्सिव फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। हो गया, लिखिए एफ में, लिखिए इंपल्सिव फोर्स के नीचे लिखिए व्हेन, लिखिए व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज बट इट एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, देन इट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स, देन इट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। क्या मेरी बात समझ पाए आप? फिर से समझो, अगर कभी कोई फोर्स जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो और लगे कितने टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो उसको बोल देंगे इंपल्सिव फोर्स। फिर से, ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये कोई नहीं जैसे फ्रिक्शन एक अपने आप में अलग टाइप था, ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है इसका कोई अलग, ये है नाम हम रख दिए। जैसे याद करो, हम लोग कभी पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आया? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या टाइप ऑफ फोर्स है क्या? नहीं, जो कोई फोर्स अगर सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगता है, या जो फोर्स बॉडी का डायरेक्शन बदलता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो टेंशन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ग्रेविटेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। हम लोग कई एग्जाम्पल देखे थे,
सेम इसी तरीके से दुनिया का कोई भी फोर्स अगर बहुत छोटे टाइम के लिए लगे और उसका मैग्नीट्यूड अच्छा खासा हो, बड़ा हो, तो उसको क्या बोल देंगे? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वर्ड ही ऐसा होता है जो तुरंत लगे, छोटे से टाइम के लिए हो। नहीं समझ पा रहे हो? कोई बैठा बैठा एकाएक आपको एक चाटा मार दिया, तो आप क्या बोलोगे? उसका कैसा डिसीजन था? इम्पल्सिव डिसीजन था। कई लोगों का हम लोग कैरेक्टर ही बोलते हैं ना, वो इंसान बहुत इम्पल्सिव है, क्या कब करेगा पता नहीं, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वो डिसीजन ले लेता है बगल वाले को चाटा मारना है। आपको मारना है, 10 बार सोचोगे मारे नहीं मारे, क्या करे, अच्छा बाहर में मारेंगे, क्लास में मारेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। पर जो इम्पल्सिव आदमी है, जो बोलते हैं ना गर्म दिमाग का, ऐसा बोलते हैं सिंपल बोल चल बस, तो इम्पल्सिव वर्ड का ही मतलब है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्टिंग करना। अच्छा इसका रियल एग्जाम्पल, जैसे हम नेल को फिक्स करते हैं दीवार में, है ना, तो नेल रखते हैं और हैमर रखते हैं, तो देखो हैमर आप जरूर इतना ऐसा मारते हो, पर एक्चुअल में नेल पे फोर्स कितना टाइम लगता है? हैमर और नेल के बीच का कॉन्टेक्ट देखना माइक्रो सेकेंड का होता है। हैमर आता है, नेल को टच करता है, तुरंत आप पीछे कर लेते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे? उसी नेल को आप रख दो और हैमर उसमें कंटिन्यू टच में रखो और जितना फोर्स लगाना है लगा लो, नेल कभी अंदर नहीं जाएगा। जाएगा क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप नेल को रखे उसके ऊपर हैमर भी रख दो और हैमर को जितना मन है फोर्स लगाइए, कभी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो फोर्स इम्पल्सिव नहीं है। समझ पा रहे? वो जनरल कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। पर वही हैमर आप दूर से लेकर गए और उसमें टच कराए, पर एक माइक्रो सेकेंड के लिए टच कराए, नेल में हैमर टच हुआ तुरंत पीछे कर लिए, तो जो एक्ट किया फोर्स जो लगा कितने टाइम के लिए लगा? बहुत छोटे टाइम के लिए लगा। तो हैमर जो फोर्स लगाता है नेल पर, वो फोर्स कैसा है? इंपल्सिव फोर्स। उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? ठीक है, तो कोलिजन जो है, कोलिजन उसमें हमेशा इंपल्सिव फोर्स रहता है। जैसे कल हम लोग बातें कर रहे थे कोलिजन के समय कि ये M1 है, ये M2 है। M1 मान लो U1 स्पीड से चला, ये U2 स्पीड से चला। जब कभी कोलाइड किया, जब कभी कोलिजन हुआ M1 M2, तो कोलिजन के बाद दोनों के स्पीड बदल गया। अच्छा ये है इसका नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। कोलिजन में हमेशा याद रखेंगे ये है कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद M1 M2 के स्पीड जो आप बोल रहे हो कि भाई ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, तो यहां से यहां देखो U1 को V1 यानी वेलोसिटी बदला है। वेलोसिटी बदलने वाला कौन है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदलने वाला कौन होता है जी? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन लाता कौन है? फोर्स। यानी कोई ना कोई तो फोर्स है, कल भी बात किए थे। वो फोर्स कौन होता है यहाँ पे? नॉर्मल। वो फोर्स कौन होता है? नॉर्मल। ये आया इसके कॉन्टेक्ट में, समझ पा रहे हैं? तो ये इसका सरफेस, देखो इसका सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर। यानी M1 पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा और M2 का सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल इधर हो, तो M2 पे इधर लगेगा नॉर्मल। और दोनों को नॉर्मल मिला दिए तो हम बोले यही कॉमन नॉर्मल। इसीलिए कल लिए थे कि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी बदलेगा। अब ये बताओ ये नॉर्मल कितनी देर के लिए लगेगा? जितनी देर दोनों टच रहेगा बस उतना देर के लिए तो लगेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। बस समझ पा रहे? और किसी भी कोलिजन में बॉडी कितनी देर टच में होता है? जैसे दो गाड़ी आया टकराया, जैसे थोड़े ही घसता रहेगा, रेस लगा रहा है दोनों एक दूसरे का खेल। कोलिजन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए टकराया। मेरी बात समझ पा रहे? तो कोलिजन जब भी होता है तो ये जो नॉर्मल है ये इम्पल्सिव फोर्स हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है। इसीलिए कोलिजन होने पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। रोड पर जो एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो फोर्स लगता है कौन सा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी से टकराया जाता है। बातें समझ पा रहे? तो यहां पर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों है इम्पल्सिव फोर्स। तो ये और ये दोनों हो गया इम्पल्सिव फोर्स। तो कभी भी अगर ये इम्पल्सिव फोर्स निकालना हो तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? मोमेंटम वाला लॉ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, अब ये देखो एफ डी टी इक्वल टू चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब अगर M1 के लिए ये लगाओगे, देखो M1 के लिए लगाएंगे फॉर M1,
तो M1 का नॉर्मल इधर है, यहाँ इंपल्सिव फोर्स कौन है जी? नॉर्मल इनटू टाइम dt, पर बताओ ये प्लस लेंगे या माइनस? माइनस इधर लग रहा है नॉर्मल, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी M1 और फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1, चेंज इन मोमेंटम की है, क्लियर है ना? और इसी तरीके से आप लगा सकते हैं फॉर M2, M2 का इंपल्सिव फोर्स ये यही n ही है, पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मैं बोल रहा हूं ndt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल v2 माइनस u2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ इधर नाउन होगा कुछ इधर नोन होगा, ऐसा करके। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए नोट कर लीजिए। तो कई बार आपको इंपल्सिव फोर्स भी निकालना पड़ सकता है, और याद रखिए इंपल्सिव फोर्स बहुत ही डेंजर होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए लगता है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए अ फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट ऑन बॉल ऑफ मास 2 kg। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखिए। अ बॉल ऑफ मास 10 किलो न्यूटन एक्ट सॉरी अ फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉल है ना ऑफ मास 2 kg फॉर टू मिली सेकेंड फुल स्टॉप इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 4 m/s देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन अलग अलग केस के लिए निकाला। पहला केस हाँ रिपीट कर दे रहे हैं, 10 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉल ऑफ मास 2 kg फॉर 2 ms इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 4 m/s फाइंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन, केस लिखेंगे 1, 2, 3 व्हेन, वाला लिखिए फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी यानी फोर्स उसी डायरेक्शन लग रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, मतलब दूसरा केस, फोर्स एक्ट अपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा लिखिए फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तीसरा लिखिए फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ, एक बॉल है 2 kg का, इसमें 10 किलो न्यूटन फोर्स 2 ms के लिए लग रहा है, बताओ ये फोर्स कैसा है? इंपल्सिव। क्या बात समझ में आया? ये फोर्स कैसा फोर्स है? इंपल्सिव। कैसे पता चला? क्योंकि फोर्स की अमाउंट ज्यादा है और टाइम क्या है? कम। क्लियर है? अच्छा अब हमें निकालना है वेलोसिटी। तो अभी अभी जैसे इंपल्सिव फोर्स आया, आपको थ्योरम याद आना चाहिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या है? FdT इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल और इनिशियल में वेलोसिटी आ जाएगा, इधर फोर्स है इधर टाइम है, सॉल्व कर दो जल्दी से अलग अलग केस में। पहला केस कीजिए, बाकी 2 केस में करा दूंगा। पहला केस तो सेम डायरेक्शन में सोचना ही नहीं पहला केस तो यही है 2 kg 10,000 N 2 × 10⁻³ 2 ms मिली मतलब 10⁻³ ना और इनिशियल स्पीड u है 4 m/s ठीक है, क्या लगाओगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ FdT इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2 kg फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4। समझ पा रहे? अच्छा देखिए ये वाला टर्म अभी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, क्लियर है ना? और dt का क्या हो जाएगा? t, तो ये हो गया 2 × v - 4
ऐप का वैल्यू 10,000, टाइम का वैल्यू 2 × 10⁻³ इक्वल टू 2V-4। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ इसको कैंसिल कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड बचा 10, राइट हैंड साइड बचा V-4। जिस 4 इधर आ जाएगा, V का वैल्यू हो गया 40 m/s। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा तो मास भी बढ़ेगा, सॉरी फोर्स लगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, किसी को इसे ऐसा करने का मन हो तो V इक्वल टू यू प्लस 80। देखो U कितना है, 4। एक्सेलेरेशन कितना लोगे, फोर्स बाय मास, है ना? तो 10,000 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगी, 5,000। और टाइम का वैल्यू कितना लोगे, 2 × 10⁻³। देखो -3 इसको कैंसिल कर दे रहा है, समझ पा रहे हैं? ये कितना आ गया, 4 + 10 = 14। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ऐसे भी जा सकता, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी दो केस जल्दी से करके बता दीजिए। अब ये भी लिख लीजिए, दोनों तरह केस लिख लीजिए और करके। फिजिक्स में कभी भी अपने आप को बांधिए नहीं कि यही अप्रोच लेना है, यही तरीका लेना है। आप प्रैक्टिस कीजिए और माइंड में जो क्लिक करे, लॉजिक सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, है ना? लॉजिक सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। इनफाइनाइट वे है फिजिक्स में सॉल्व करने का, और रियलिटी में भी दुनिया ऐसे ही चलता है। दुनिया कभी भी ब्लैक व्हाइट में होता नहीं है, हर चीज का मल्टीपल वे है। दूसरा कीजिए, आप V इक्वल टू यू माइनस 80 कर सकते हैं या ये थ्योरम लगा सकते हैं। एक मिनट दे रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करो, ऐसा टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, दूसरे का कितना आ गया आंसर, कोई बताएंगे? जब फोर्स अपोजिट लग रहा है तो जब फोर्स अपोजिट लग रहा है तो कितना, सिंपली ये क्या हो जाएगा, जब अपोजिट लगेगा तो बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अब केस ये हो जाएगा, इधर लगा फोर्स 10,000 पर इनिशियल वेलोसिटी इधर है 4 m/s, तो मुझे बताओ ये फोर्स इसे क्या चाहेगा, वेलोसिटी को कम करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो उस तरीके में ले जाइए तो यहां पर माइनस ले लेंगे, और इस तरीके में जाएंगे तो यहां पर माइनस ले लेंगे एक्सेलेरेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब ये माइनस लोगे, ये माइनस लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 − 10 − 6 m/s। तो थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगा और पीछे जाना चालू हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, यहां पर माइनस ले लो, यहां पर माइनस लोगे तो ये माइनस आ जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो ये प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा −6। आया? तो ए में 14, बी में −6, ठीक है ना, बी में −6। सी में क्या होगा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सी में क्या होगा बताइए, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो सी पार्ट ध्यान से समझिए, कई बार कंफ्यूजन होगा। ए और बी क्लियर है ना हम सभी का? आ जाइए सी पार्ट में आ जाइए। देखिए ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 m/s से 2 kg का। आपने क्या किया, इसमें इधर फोर्स लगा दिया 10,000 N, और कितने टाइम के लिए, 2 μs के लिए। मैंने कल भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया था फिजिक्स में, कि कोलिजन के समय, ऑब्लिक कोलिजन के समय, वेलोसिटी को बदलने वाला एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को देने वाला फोर्स, पर फोर्स या एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में, वो अपनी डायरेक्शन का ही वेलोसिटी बदलते हैं, किसी और डायरेक्शन की वेलोसिटी को
नहीं बदलता, क्लियर है। तो ये जो फोर्स है, ये जो भी वेलोसिटी लाएगा बदलेगा वो किस डायरेक्शन का बदलेगा, इस डायरेक्शन का। इसका जो एक्स है 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी तो इतना ही अब रहेगा, एक नई वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 0। ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, समझ पा रहे हैं। जैसे इसमें निकालो, बताओ यू कितना लोगे इसका, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलेरेशन 10,000 बाय मास 2 और टाइम कितना 2 × 10⁻³। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 0 इस 3 0 कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पर किस डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, क्लियर है ना। या फिर वहां से भी निकाल सकते हैं, 10 ही आएगा। पर इस समय वेलोसिटी, दो वेलोसिटी होगा, है ना। अगर नेट वेलोसिटी बोले, नेट वेलोसिटी, तो हमें निकालना पड़ेगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, आई होप क्लियर है आपको। आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये एक मास है जो कि जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसी के आगे एक और मास रखा हुआ है, ठीक है। इसकी भी मास सेम है, अच्छा ये भी दे रखा है कि दोनों का रेडियस सेम है, यानी दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों जो है आइडेंटिकल है, ठीक है। ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में, ठीक है। तो आपसे बोला है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो बच्चे कोलिजन का नाम भी लिख कर दिया है कि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन है। चलिए अब 2 मिनट समय लीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, 40 सेकेंड का क्वेश्चन, मैं 2 मिनट समय दे रहा हूँ, दिवाली ऑफर है, पूरा उसका फायदा उठाइए। कल ऑब्लिक कोलिजन सीखे हम लोग, 30 सेकेंड में रिवाइज कर लो ऑब्लिक, पीछे नोट्स में देख लो, और बचा हुआ 1 मिनट में सॉल्व कर लीजिए और आंसर दीजिए। आंसर को ब्लैक मनी की तरह छिपा कर मत रखना, वो कोई फायदा नहीं। आइए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आपको मालूम है कि कोलिजन होगा, सबसे पहला जब भी ऑब्लिक कोलिजन होता है पहली चीज हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन नॉर्मल, याद आया। तो यही है हमारा कॉमन नॉर्मल, यह है कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल के अलोंग फोर्स आपको निकालना है, पर फोर्स जो है ये तो 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में कहीं है, तो अब उसका कंपोनेंट वगैरह तोड़ने के लिए मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगा, बातें समझ पा रहे हैं। आपका जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये तो इस दिशा है, अब इसका दो कंपोनेंट आपको तोड़ना है, समझ वाला है, एक इधर और एक इधर, तो मुझे एनी हाउ ये एंगल चाहिए,
अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो, क्या आपको ये डिस्टेंस पता है? आंसर है 2R, दोनों आइडेंटिकल है ना, R और R, तो ये हो गया 2R, ये हो गया 2R। अच्छा, क्या ये डिस्टेंस आपको पता है? आंसर है R, और पता है या नहीं पता है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है R एंड 2R, तो क्या आप एंगल बता सकते हैं? बता सकते हैं, आप लोग तो पहले से बुद्धिमान है, सिर्फ मेरे सामने पता नहीं क्या हो जाता। हाँ जी बताओ, किससे निकालोगे, क्या लगाऊं, साइन कॉस टेन, बोलो जल्दी। साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू आर बाय टू आर, आर से आर कैंसल, वन बाय टू, तो थीटा कितना 30 डिग्री, तो एंगल इज 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आपका कि आपका जो आएगा, देखो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा 10, ठीक है, 10 cos 30, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 10 into, अच्छा इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 10 sin 30, ठीक है। अब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम आराम से, निकाल लीजिए, cos 30 कितना जी, ये हो गया 5√3, और sin 30 कितना हो गया, हाँ ये कितना हो गया, देखो नहीं बोलोगे तो याद ही नहीं होगा आप लोगों को, ये सब बोल बोल के ही याद होता है, जब भी कोई पूछा जाए बताइए जो जानते हैं, cos 30 √3/2, ये सब बोलना है, बोलने से क्या होगा, आपको माइंड बार बार उस चीज को रिकॉल करेगा, है ना, भूलना एक नेचुरल पाते हैं, उसका एक ही इलाज है, आप जितना ज्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उसे करेंगे, तो देखो आपको ये और ये मिल गया। अच्छा ये क्या है, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी या बाद की वेलोसिटी, पहले की, अरे यू का है ना कंपोनेंट, समझ पा रहे हैं, पर अब हमें पता है कि इसमें से कौन सा वेलोसिटी बदलेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ना, तो नॉर्मल फोर्स तो ये लगता है, यानी जो बदलना होगा ये बदलेगा, ये वाला तो कभी नहीं बदलेगा, क्लियर है ना। अच्छा ये सब जो आप निकाले हो इस बॉडी के लिए निकाले, इस बॉडी का क्या, ये तो रेस्ट में था, इसके पास तो इनिशियल कोई वेलोसिटी ही नहीं था, था क्या, नहीं था। अच्छा ये सारा कंपोनेंट वगैरह बनाओ, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटाऊ ना, चलो अब ध्यान देखो आफ्टर कोलिजन कहानी, वो तो सॉल्यूशन का पार्ट था, अब जरा ध्यान देखो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये जो है पहला बॉडी, बताओ पहला बॉडी का, अच्छा मैं दूसरा बॉडी भी बना देता हूं, मान लो ये पहला और दूसरा बॉडी है, कुछ अजीब सा बॉडी बन गया, ठीक है जो भी हो, पहले बॉडी का जो एक वेलोसिटी आपने निकाला है 5 m/s, वो सेम रहेगा या बदलेगा, वो 5 m/s सेम रहेगा, उतना ही बदलेगा, बदलेगा कौन, ये वाला वेलोसिटी बदलेगा, क्लियर है, इस डायरेक्शन वाला। अब ये वाला फॉर्मूला से निकालना होता है, पर मालूम है इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल बॉडी क्या होता है, वेलोसिटी का एक्सचेंज, याद आ रहा है, तो इसमें इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बचेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो है, ये डायरेक्शन में ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्लियर है, और इसका जो इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है इसको मिल जाएगा, तो इस ये इधर जाने लग जाएगा कितनी स्पीड से, 5√3 m/s से, और इसका ना इधर पहले कोई वेलोसिटी था तो ना अब भी रहेगा, इधर वाला तो कोई चेंज ही नहीं हो, समझ पा रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो आपका वेलोसिटी है, ध्यान समझिए,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, समझ पा रहे हैं? तो आपका M1 के पास 5 मीटर पर सेकेंड पर अलग डायरेक्शन में, और M2 के पास यानी आइडेंटिकल बॉडी है दूसरे के पास 5√3 मीटर पर सेकेंड रहेगा, वो अलग डायरेक्शन में, ये अलोंग द कॉमन नॉर्मल रहेगा, ये परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रहेगा, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, बना लीजिए अच्छे से, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिए आराम से, नोट्स आराम से लिखिए, कहीं पे थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो पूछे, मूव करें आगे, मूव करें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, ओके, लिखिए लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर लिखना भी है आपको, लिखिए इफ बॉल विल ट्रेवल, अच्छा डायग्राम बना रहे, बना लीजिए बना लीजिए, लिखिए इफ बॉल विल ट्रेवल, इफ बॉल विल ट्रेवल हॉरिजेंटली, इफ बॉल विल ट्रेवल हॉरिजेंटली After collision, horizontally after collision with incline, then find coefficient of restitution, yani E, then find coefficient of restitution, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं ध्यान समझा रहा हूं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ये बॉल आया, इससे टकराया, इससे टकराया होगा, और टकराने के बाद ये हॉरिजेंटली मूव कर गया, इधर मूव कर गया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बोला कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालिए, क्लियर है ना? अच्छा जब कोलिजन हुआ, यही ना कोलिजन हुआ, तो कॉमन नॉर्मल निकालेंगे आप। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, आप जो भी डायग्राम अलग डायग्राम में करेंगे क्वेश्चन, तो इसका कॉमन नॉर्मल देखो ये होगा, यही होगा कॉमन नॉर्मल, है ना? तो बताओ ये कोलिजन कैसा हुआ, हेड ऑन हुआ या ऑब्लिक हुआ? ऑब्लिक हुआ, समझ पा रहे हैं? तो अब जो भी ई वगैरह निकलेगा तरीका वही है, मैंने बोला एक ही टिप्स होता है ऑब्लिक में कि नॉर्मल के लॉन्ग वाला वेलोसिटी से मतलब बदलता है और परपेंडिकुलर वाला सेम होता है, बातें समझ पा रहे हैं? दोनों वेलोसिटी की बातें करें, देखो यहाँ पे दो दो वेलोसिटी होगा, ध्यान समझो, एक वेलोसिटी जो टकराने टकराते समय है और एक टकराने के बाद है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, क्लियर है ना? कोलिजन से पहले वाले को मैं यू से इंडिकेट कर रहा हूं, कोलिजन के बाद वाले को वी से। तो मुझे बताओ कोलिजन से पहले यू किस डायरेक्शन होगा, इस बॉडी में ये किस डायरेक्शन में आया होगा, इधर कुछ आया होगा, यही नहीं यू रहा होगा, क्लियर है ना? और टकराने के बाद वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वो बोल ही रहा है कि किधर निकल गया, हॉरिजॉन्टली, ये बी में बोलना, बी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, और यू है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और वी है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, velocity after collision, बताइए यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बहुत ध्यान से देखिए यहां पे, अब आपको पता है कि velocity का कैसे कैसे कंपोनेंट निकालना है। हेलो, ये mg जब हुआ करता था तो याद कीजिए जरा,
mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, mg cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कुछ समझ पा रहे हैं? और दूसरा दूसरा क्या होगा, क्लियर है ना, ये क्या होगा, तो क्या u sin थीटा n का परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हैं? ये तो बदलने वाला नहीं है, यानी कि v का जो एक कंपोनेंट होगा वो यही होगा। अच्छा, v का दो कंपोनेंट तोड़ो, v का दो कंपोनेंट तोड़ोगे, ध्यान देखो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो v का दो कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो इधर बन जाएगा, बोलो क्या, v sin थीटा, और इधर क्या बनेगा, v cos थीटा, क्लियर है? अब मुझे बताओ v cos थीटा और u sin थीटा क्या सेम है या अलग है? नहीं सोच पा रहे। u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और v cos थीटा क्या है, फाइनल वेलोसिटी नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और हम जानते हैं ना, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं बदलता है, तो जो इनिशियल था वही क्या रहा होगा, फाइनल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हम लिख सकते हैं कि u sin थीटा और v cos थीटा क्या है, सेम, क्लियर है ना? अच्छा, कोलिजन जब भी करता है किसी सरफेस से तो जो वापस जाता है वो कौन सी वेलोसिटी जाता है, e टाइम्स इनिशियल, याद आ रहा है? तो जो ये u cos थीटा है और ये जो वापस गया v sin थीटा, इसका रिलेशन जानते हैं? बताओ जल्दी, ये v sin थीटा जिससे ऊपर गया वो क्या रहा होगा, e टाइम्स u cos थीटा। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, e निकल जाए, देखो अभी निकालते हैं, e निकालने के लिए इसको इधर भेज दो, तो v sin थीटा by u cos थीटा इक्वल टू e, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखो, u cos थीटा यहां से एक चीज निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान देखिए, u का वैल्यू निकाल लो, u इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा बाय sin थीटा, उस u का वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो v sin थीटा बाय u इंटू, सॉरी u का वैल्यू ही डाल दो, u का वैल्यू डाल दो, v cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है, इंटू यहां पे cos थीटा है, ये आ गया e, बहुत ध्यान देखिए, b से b कैंसल, ठीक है, ये sin ऊपर चला जाएगा, तो e इक्वल टू हो जाएगा, देखो sin ऊपर जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो फिर से e क्या आ गया जी, tan स्क्वायर थीटा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए जल्दी से कंप्लीट करें जिनका रिमेनिंग। Thank you.
देखिए इस टाइप का कोई सेटअप है, उसमें शुरू में एक एम मास है, उसके अंदर टू जी एच वेलोसिटी दिया गया। ये एच हाइट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है अंदर टू जी एच। अब ये ऐसा जाएगा 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 कहीं मैक्सिमम हाइट तक। बोला बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, फाइंड मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच एम मास विल राइज। एम मास इतना राइज करेगा, एम मास विल राइज, ठीक है। और बोल रहा है ये सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, चाहे ये वाला सरफेस हो ये वाला सरफेस हो, सारा सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, सारा सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस है। जल्दी से लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो मुझे बताओ वो जो वेलोसिटी अंदर रूट टू जी एच, वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? आंसर है, बहुत ध्यान से देखो, यहां तक जब बॉडी आएगा यहां तक कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं। यहां तक आने में इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आएगा क्या? वेलोसिटी तभी चेंज होगा जब उसके अलोंग कोई फोर्स लगे, यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। यहां के बाद जब इंक्लाइंड है ना तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आना चालू हो जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो ये बॉडी यहां आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके पास नॉर्मल किधर जाएगा? नॉर्मल तो इधर होगा, है ना। एमजी किधर होगा? एमजी तो इधर होगा। अब क्या करेगा, नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। नॉर्मल का ये कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा। पहले यहां क्या था, यहां ही पे नॉर्मल था तो यहीं पे एमजी था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, इधर कोई नहीं था। अभी क्या है, नॉर्मल का ये कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा और ये कंपोनेंट जो इसके अंदर ये वाला वेलोसिटी था उसको क्या कर देगा, अपोज करना शुरू कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। ऐसे भी आप सोच कर देखो, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कम होते जाएगा और कभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से समझो, ये जो नॉर्मल लगा है इस एम मास पे, डायग्राम बना लिए थे ना, हाँ। अब ये जो नॉर्मल लगा है इस मास पे कौन लगाया, ये वाला ब्लॉक, ये वाला भी तो उस पे नॉर्मल लगाएगा, क्लियर है? तो नीचे वाले पर एक नॉर्मल लगेगा, ये वाला सरफेस पे भी तो एक नॉर्मल लगेगा इधर, और इस नॉर्मल का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। समझ पा रहे हैं? ये वाला नॉर्मल ग्राउंड के नॉर्मल को कैंसिल कर देगा, पर ये वाला नॉर्मल का जो कंपोनेंट है इसमें तो एक फोर्स आ गया ना इस डायरेक्शन में, तो ये रुका हुआ रहेगा या चलने लगेगा? चलने लगेगा, नीचे फ्रिक्शनलेस। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही ये इनक्लाइन में ऐसा आएगा, ये तो चलेगा ही, साथ में ये भी स्टार्ट हो जाएगा मूविंग। शुरू में यहां तक में कोई ये मूविंग नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं आया इस डायरेक्शन में, पर एक बार जैसे यहां के बाद ऐसे आया, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। क्या इतनी बात समझ में? अच्छा मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान से समझो, ये मैक्सिमम हाइट पे जब होगा उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगा। कहानी समझी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा नीचे वाले का, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, और एक समय दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम, और वही रहेगा मैक्सिमम हाइट पे। ये कभी मान लो यहां कहीं पहुंचेगा उस समय इसकी भी वेलोसिटी बी और इसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगा, बी। समझ पा रहे हैं? तो व्हेन, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, व्हेन मास एम एंड कर्व प्लेटफॉर्म
मैं इसका नाम रख रहा हूं कर्व प्लेटफॉर्म, जो भी है प्लेटफॉर्म में जिसपे मूव कर रहा है, एंड कर्व प्लेटफॉर्म बोथ स्टार्ट मूविंग बोथ स्टार्ट मूविंग विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड नहीं, ऐसा इस सेंटेंस को ऐसा बदल रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया व्हेन m इज एट मैक्सिमम हाइट देन मास m एंड कर्व प्लेटफॉर्म बोथ स्टार्ट मूविंग विद सेम स्पीड, ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बात का आपको फायदा उठाना है, क्या फायदा उठाना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो इसमें फिर से लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम, यही दो से होगा, जरा ट्राई करिए आप, इसका यूज कीजिए, क्या क्या दो चीजें यूज करें, एक पी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, जरा लगाइए तो, और इसको मान लो किसी हाइट h तक, जितना भी हाइट जाएगा मान लेंगे h हाइट गया है, कोई h हाइट गया है ऐसा मान लेंगे कुछ, चलिए दोनों चीजें जरा लगाइए, तो दोनों चीजें जरा लगाइए, अगर ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो मैं नीचे एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ऐसे भी आपको तो दो डायग्राम बनाना ही, आपको तो दो डायग्राम बनाना ही, तो मैं नीचे भी बना दे रहा हूं, फाइनल कहानी कुछ ऐसा है कि बॉडी यहां पर आ चुका है, ये भी वी वेलोसिटी जा रहा है, ये भी वी वेलोसिटी जा रहा है, और उस समय ये जो हाइट है ये हाइट कुछ h है, ठीक है, समझ पा रहे ना, ये आपका फाइनल कंडीशन है, और नीचे चाहो तो ग्राउंड दिखा दो, लगाइए, दो चीजें आपको यूज करना है, पहला p को कंजर्व करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे क्या होगा दोनों का वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, और दूसरा आप करिए वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा करें वर्क एनर्जी थ्योरम, एक मिनट का समय लीजिए, ट्राई कीजिए, क्या हो गया बोलो, प्लेटफॉर्म कैसे मूव किया, देखो कर्व इधर था, ये आ रहा है इसको आगे खींच ऐसा जा रहा है, तो क्यों नहीं उसे मूव करेगा, नीचे फ्रिक्शन नहीं है ना, रोकने वाला नहीं है, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, समझ पा रहे हैं, अगर नीचे कोई फ्रिक्शन रोकने वाला नहीं, ये जब आगे जाएगा तो इसको आगे नहीं खींच कर ले जाएगा, नहीं सोच पा रहे, हेलो क्या आप सोच पा रहे हैं कि ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा जी, ये जब ऐसा सरफेस है इधर से आ रहा है तो ये आगे जा रहा है, तो ये आगे कैसे चला जाएगा, यहाँ के बाद आगे बैरियर है ना जी, ये देखो ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, अब ये सरफेस उसको आगे जाने देगा क्या, रोकेगा ना, और वो आगे जाना चाह रहा था, इसको साथ में कैसे नहीं ले जाएगा, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ये कोई ज्वाइंट रुका हुआ तो नहीं, सॉरी रुका हुआ बोलते, फिक्स नहीं है ना, हाँ नीचे फ्रिक्शन होता है तो उसको रोक सकता है, और बाकी मैं फोर्स का कंपोनेंट देकर आपको अच्छे से समझाया कि ये जो नीचे वाला इसमें भी नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल का दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट नॉर्मल उसको आगे ले जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में कोई बॉडी में सिंगल फोर्स हो उस डायरेक्शन में बॉडी को जाना है, ये डायरेक्शन में भी जाता पर ये ग्राउंड इसको रोक रहा है, ग्राउंड अपना नॉर्मल से इसको कैंसिल कर देगा, किसी को अभी भी दिक्कत है कि ये क्यों आगे मूव कर गया है, हेलो समझ पा रहे हैं ये क्यों मूव किया है, देखो दिक्कत है मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान देखो मुझे बताओ ये वाला सरफेस पे नॉर्मल किधर लगेगा, इधर ना, ये नीचे वाला जो सरफेस उस पर नॉर्मल इधर लगेगा,
इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो ना, एक ये और एक ये, तो ये वाला फोर्स क्या उसको आगे नहीं ले जाएगा, ये वाला तो ग्राउंड उसको कैंसिल करेगा कुछ अपना नॉर्मल लगा कर या कुछ भी करके, क्या बात समझ पा। इसी फोर्स का वो आगे जाएगा और कंटिन्यूस इसके स्पीड बढ़ते जाएगा, क्लियर है। चलिए जल्दी से लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम, यही दो चीजें लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम। आप बोर्ड वर्क खत्म करें, मैं बोर्ड मिटाऊंगा फिर आपको सॉल्व कर देता हूं। लगाइए दोनों इक्वेशन पैरेलली बना लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों इक्वेशन दिखेगा खुद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। प्लेटफॉर्म का मास, हाँ प्लेटफॉर्म का भी मास लेना पड़ेगा ना काइनेटिक एनर्जी में, आइडेंटिकल मास ले लो कुछ भी ले लीजिए, M1, M2, M, इसी को भी M मान लीजिए, इसका भी M मास मान लीजिए, मास ऑफ प्लेटफॉर्म भी M ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का भी मास M ले लो, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, M1, M2 भी ले सकते हैं। आइए मैं मिटा रहा हूं, मैं इस सभी कहानी को मिटा रहा हूं, आपके सामने सॉल्व करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी को कंजर्व किया, मुझे बताओ पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में है तो उसका जीरो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इस मास के पास, एम इंटू वी अंडर रूट 2gh, और फाइनल दोनों भी स्पीड से चल रहा है, बात समझ पा रहे हैं। तो एम बी मास का और एम बी प्लेटफॉर्म का, तो ये हो गया एम अंडर रूट 2gh इक्वल टू 2mb, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gh बाय 2, क्लियर है, ये 2 से ये कैंसिल होगा, रूट 2 बचेगा, तो v हो जाएगा अंडर रूट gh बाय 2। ये देखो वो वेलोसिटी मिल गया, अगर यही क्वेश्चन में आता है कि बताओ कितनी वेलोसिटी चलेगा, तो यही से आंसर हो जाता। अब हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ध्यान से देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, बताओ यहां पे कितना फोर्स है, बता ही नहीं पा रहे कितना फोर्स है, दो, कौन कौन सा, नॉर्मल और एमजी, नॉर्मल का वर्क हमेशा क्यों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, क्लियर ना, ओके। तो सिर्फ टोटल वर्क डन एक ही होगा, अच्छा आप ना वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं इसे करो, वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एम जी एच, एच में देखो ये मैं कैपिटल एच दे रहा हूं, यही मैक्सिमम हाइट, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख दे रहा हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक, तो ये हो गया एम जी एच इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, देखो पूरे सिस्टम का दोनों मास है ना जी, तो क्या हो जाएगा 2m इंटू वी स्क्वायर, चाहो अलग अलग भी कर सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर जोड़ोगे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो सिर्फ इसी के पास था, हाफ एम बी स्क्वायर, तो रूट वाला खत्म हो जाएगा, अंदर रूट 2gh हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसल हो रहा है,
हो गया एम जी एच इक्वल टू एम बी स्क्वायर माइनस, ये देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया एम जी एच, ठीक है। सभी का देखो एम कैंसिल होगा, यहां आ गया जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू यहां निकाले हो उसका स्क्वायर करोगे तो जी एच बाई टू माइनस जी एच, देखिए जी कैंसल हो जाएगा सबका, तो बचेगा एच इक्वल टू एच बाई टू माइनस एच। कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है अपना, आंसर माइनस एच बाई टू किस तरह एच बाई टू होगा, देखो प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक किया हमको। इससे आंसर क्या आ जाएगा माइनस एच बाई टू, जमीन के अंदर तो नहीं चल रही भी, ठीक है ओके। हमारा जो बता वर्क है ग्रेविटेशन का पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव, समझ पा रहे ना, नीचे से ऊपर गया, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। इस माइनस को उधर भेजोगे तो एच इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा एच और माइनस ये हो जाएगा एच बाई टू, तो हाइट हो जाएगा एच बाई टू, ये जो यहां पर जो भी कांस्टेंट दिया है एच उसका आधी हाइट वो ऊपर जाएगा। देख लीजिए कहीं पे दिक्कत हो तो, ठीक है आज यहीं तक करते हैं हम लोग, है ना।